के ना ऊपर जाते रहे। मधुबनी नगर मुख्यालय के थाना मोड़ से बाटा चौक और बाटा चौक से गंगा सागर चौक तक महिला कॉलेज रोड आदि में लोगों को अतिक्रमण हटाने हेतु वार्निंग दी गई है। अतिक्रमण नहीं हटाने पर नगर पालिका अपने साधन से उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को समाप्त कर देगी। मधुबनी शहर में सड़क किनारे दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण कर अपना व्यापार के लिए सड़क की जमीन का प्रयोग किए जाने से लोगों को अपने वाहन पार्क करने में भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़कों पर लगने वाली जाम से लोगों को रोज दो चार होना पड़ रहा है, तो वहीं बरसात के समय जल जमाव की समस्या से जूझते शहरवासियों के लिए नगर पालिका के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का चारों तरफ सराहना हो रही है। बताते चले कि मधुबनी शहर में प्रवेश करते ही घंटों लोगों को जाम में फंसकर समय जाया करना आम बात सी हो गई है, जिसे देखते हुए देर से ही सही नगर पालिका के द्वारा चलाए जा रहे बुलडोजर यहां के सड़कों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सुकून देने वाली पहल साबित होगी। बिहार मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट, BNP न्यूज। कहां से कहां हो रहा है जी? कहां से कहां हो रहा है अतिक्रमण? फिलहाल थाना चौक से बाटा जी बाटा चौक और गंगा सागर चौक, और समय मिला तो मैं महिला कॉलेज को भी बोलूँगा। ये रात में अभियान चल रहा है, दिन में क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि दिन में ट्रैफिक की बहुत समस्या है। अभी रात में देखिए कितना ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर दिन में इससे 10 गुना ज्यादा प्रॉब्लम है। या तो मॉर्निंग में होगा या फिर ट्रैफिक जब कम हो जाता है 7:30-8 बजे तक होगा।